हेलो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ जो वीडियोज आप देख रहे हैं ये इंगेजमेंट का स्टेज सज रहा है सिंपल है एकदम सिंपल तो इंगेजमेंट का स्टेज कैसे सजाया जाता है अगर इस तरह का वीडियो अगर मतलब आप काम भी आप लोगों को इस तरह का करना है तो वीडियो को एंड तक देखिए ठीक है इंगेजमेंट हुआ या रिंग सेरोमनी हुआ बात बराबर बराबर ही है इंगे, इंगेजमेंट या रिंग सेरोमनी सब एक ही है इसमें भी आप अगर सिंपल से सिंपल स्टेच सजाना सजाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए या यही काम आप लोग भी करना चाहते हैं ये सामान अगर आपके पास अवेलेबल है सामान आपके पास अगर अवेलेबल है इस तरह का काम आप लोग भी करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इसमें ए टू जेड डिटेल दिया गया है ठीक है ना इसमें ए टू जेड डिटेल देना है कैसे क्या करना है नहीं करना है फ्रेम को कैसे खड़ा किया जाता है टोटल डिटेल है इसमें इसलिए वीडियो जो है बीस मिनट का बना है थोड़ा लंबा वीडियो है तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग इस तरह का काम करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए इसमें सब कुछ है इसमें फ्लावर का गार्डन भी है पाँच मिनट का फ्लावर का गार्डन क्या वीडियो भी है अपलोड है इसलिए अगर वो सब कुछ भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को इसकी मतलब भगाइएगा नहीं भगा कर नहीं देखिएगा मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो को कोई भी आप वीडियो देखते हैं ना अगर आपको सीखना है तो वीडियो को भगाइए नहीं वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा ये रिंग सेरोमनी शुरुमन, रिंग सेरोमनी या एंगेजमेंट जो कहे दोनों एक ही बात है उसका स्टेज सज रहा है इस तरह का स्टेज आप शादी ब्याह में भी सजा सकते हैं या अगर मतलब मान के चले कि छोटा मोटा जो पूजा होता है जैसे कि सरस्वती पूजा हुआ उसमें भी आप कर सकते हैं ठीक है नहीं तो हल्दी मेहंदी स्टेज हुआ उसमें भी आप छोटा मोटा हल्दी हल्दी मेहंदी जो छोटा मोटा स्टेज ही सस्ता है ज़्यादा हाई फाई उसमें नहीं सस्ता है तो उस तरह का काम भी आप उसमें कर सकते हैं तो इसका जो डिटेलिंग है तो फ्रेम का साइज है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा तो मैं फिर से आपको कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियो को समझना चाहते हैं वीडियो को नहीं काम को अगर समझना चाहते हैं इस तरह का काम भी अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग भी करें या गार्डन चाहते हैं कि इस तरह का गार्डन हम लोग भी सीखे तो वीडियो को एंड तक देखिए वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है ना इसमें फ्लावर कैसे लगाया गया कपड़ा कैसे लगाया गया ठीक है इसको खड़ा कैसे सबसे पहली बात है कि इसको खड़ा कैसे किया जाता है कपड़ा का वीडियो अपलोड है ठीक है ना पिलर में कपड़ा कैसे, कैसे लगता है उसका वीडियो अपलोड है पाटा में कपड़ा कैसे लगता है उसका वीडियो अपलोड है सी में कपड़ा कैसे लगता है उसका वीडियो अपलोड है तो अगर मान के चलिए आपको ये जानना है कि पाटा में कपड़ा कैसे लगाया जाता है चुन्नट के साथ चुन्नट या कॉल जो कही है उसके साथ कैसे लगता है कपड़ा तो आपको चैनल पे जाना है और जो भी वीडियो मेरा आप देख रहे होंगे ठीक है ना जो भी वीडियो मेरा आप देख रहे होंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है ठीक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा ये एक विवाह भन का काम है ठीक है ना ये घर पे नहीं है ये विवाह बहन है को, जो ब्याह वहन का पता मैं आपको देता हूँ ये विवाह का पता हुआ आपको दरभंगा मौलागंज इलाहाबाद बैंक के सामने में है ये जो ब्याह बन है दरभंगा मौलागंज हुआ जहाँ मूर्ति उर्ति बनता है मौलागंज उसी में वहीं पर जो है इलाहाबाद बैंक है ठीक इलाहाबाद बैंक के सामने में है ठीक है ना ये आपका सेलिंग का है फुल सेलिंग का काम है इसमें पूरा ब्याहमन ठीक ठाक ही है आराम से इसमें जो है दो सौ आदमी का एडजस्टमेंट हो जाएगा दो सौ आदमी का आराम से एडजस्टमेंट हो जाएगा इतना बड़ा हॉल है ना ये दो सौ आदमी का आराम से डेढ़ सौ दो सौ आदमी का आराम से एडजस्ट इसमें एडजस्टमेंट हो सकता है छोटा मोटा शादी जैसे कि सौ डेढ़ सौ या दो सौ का जो शादी होता है या इंगेजमेंट हुआ या कोई भी पार्टी फंक्शन हुआ तो उसमें आप इसमें आप कर सकते हैं तो इसका पता आप जाने के भिया, इस व्यावरण का नाम हमको नहीं मालूम है क्योंकि पहला बार इसमें काम हो रहा है मेरा जो तो काम है इसमें पहला बार हो रहा है इसलिए ब्याहवन का हम, हमको नाम इसका नहीं मालूम है बस इतना मालूम है कि आपको मौलागंज जाना है इलाहाबाद बैंक के ठीक सामने ठीक है ना इलाहाबाद बैंक के ठीक सामने नीचे इसके दुकान सब है इसके ऊपर है ये ठीक है ना ये सेकेंड फ्लोर पर है इसके ऊपर थर्ड फ्लोर पे और एक और हॉल है जिसमें खाना ताना खाना वाना बनाने वाला सिस्टम या खाना खिलाने वाला सिस्टम होगा हम पूरा नहीं देखे थे ऊपर नहीं गए नहीं गए थे सिर्फ ये ब्याहवन जिस जिस हॉल में अभी सज रहा है डेकोरेशन हो रहा है वहीं पर हम थे ठीक है तो फिर से पता समझ लीजिए मौलागंज इलाहाब के सामने में है मौलागंज ठीक इलाहाबाद बंग के सामने में है इसके नीचे दुकान है यही सेकेंड फ्लोर पर है तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि इंगेजमेंट का ये डेकोरेशन हो रहा है अभी तो शादी ब्याह है नहीं वही इंगेजमेंट का हो रहा है इंगेजमेंट हो गया सबका अपनी सीजन चल रहा है ठीक है तो आपको अगर पाटा में कपड़ा लगाना है और आपको पाटा में कपड़ा कैसे लगाया जाता है इसका वीडियो देखना है देख लीजिए ये ग्रास हो गया ठीक है इसको ग्रास बोला जाता है डेढ़ बाई दो का ग्रास है डेढ़ फीट इसका दो फीट इसका जो है लंबाई या डेढ़ फीट इसका चौड़ाई है डेढ़ बाय दो का भी ग्रास आता है और इसका मतलब बड़ा साइज लीजिएगा तो जैसे कि पाटा का साइज अगर आप लेते हैं सात बाय चार का लेते हैं तो सात बाय चार का भी ग्रास मिल जाएगा आठ बाय चार का लेते हैं तो आठ बाय चार का भी ग्रास आपको मिल जाएगा दस फीट का लेते हैं दस फीट का भी ग्रास आपको मिल जाएगा चौला ही चार फिट ही रहता है अगर लंबा में लेना है ना आपको तो उसका चौलाई चार फीट रहता है बाकी ये जो अगर इतना में लीजिएगा तो आपको डेढ़ बाय दू का आएगा और चौला में लीजिएगा तो ग्रास का चौड़ाई चार फीट ही आता है उसके हिसाब से तो आपको जितना लंबा लेना है सात फीट लीजिए आठ फीट लीजिए दस फीट लीजिए बारह फीट लीजिए कटवा करके आप ले सकते हैं तो समझ गए ग्रास के बारे में आप जैसे कि मैं आपको कह रहा था कि अगर पाटा में कपड़ा आपको लगाने का सीखना है तो पाटा में कपड़ा कैसे लगाया जाता है पाटा में कपड़ा लगाने के लिए आपको चैनल पे जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है अब वहां से जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक केज में है जो मतलब टोटल का टोटल वीडियो का लिंक है इसके वेडिंग वर्किंग फ्लावर डेकोरेशन वेडिंग वर्किंग फ्लावर डेकोरेशन में जाना है आपको वहाँ से आपको टोटल वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहां से आप देख सकते हैं वेडिंग फ्लावर डेकोरेशन में दूसरा कुछ प्लस वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा उसमें आपको मिल जाएगा नहीं तो चैनल पर जाना है मेरे चैनल पर जाना है वहाँ पर आपको सर्च मारना है कि पाटा में कपड़ा कैसे लगाए वहाँ से वीडियो आपको मिल जाएगा फ्लावर गार्डन कैसे करें वहाँ से वीडियो आपको मिल जाए आपको जिसके बारे मतलब वेडिंग फ्लावर लाइन से जो भी डेकोरेशन के बारे में आपको जानना हो तो आपको वेडिंग फ्लावर लाइन से जो भी चीज़ अगर आपको जानना हो या सीखना हो जैसे कि वेडिंग फ्लावर लाइन से मान के चले कि पाटा में कपड़ा कैसे लगता है तो चैनल पर जा करके मेरे चैनल पर जा करके वहाँ से आपको सर्च अगर मारिएगा कि पाटा में कपड़ा कैसे लगाएं तो वीडियो आपको मिल जाएगा जैसे ओसिस में जाली Again, कैसे लगता है बहुत आदमी को ऐसा मालूम है बहुत आदमी अभी भी ऐसे हैं जिसको पाटा में कपड़ा कैसे लगता है ये नहीं जानकारी है उसमें जाली कैसे लगता है ये नहीं जानकारी है ठीक है प्लस मतलब फ्लावर गार्डन कैसे किया जाता है चाहे वो आर्टिफिशियल का गार्डन हो या ऑर्किड का गार्डन हो सामने में देख रहे हैं पत्ता का गार्डन हो रहा है ठीक है ऑर्किड और पत्ता मिक्स है ऑर्किड और लीची पत्ता का मिक्स का गार्डन हो रहा है तो इस तरह का गार्डन बहुत ऐसा आदमी है बहुत अभी भी ऐसा ऐसा आदमी है जिसको नहीं जानकारी है तो इस तरह का जानकारी अगर आप अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आपको बस वही वही मैं, मैंने जो कहा था कि चैनल पर जाना है चैनल पर जा करके वहाँ पर आपको सब सर्च मारना है कुछ भी बारे में मतलब वेडिंग फ्लावर लाइन से कुछ किसी भी मतलब डेकोरेशन के बारे में आपको जानना है ना तो सर्च मारिएगा आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन कैसे करें आपको वीडियो मिल जाएगा फाटा में कपड़ा कैसे लगाएं आपको वीडियो मिल जाएगा बस सर्च मारिए में जाली कैसे लगाएं उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा ठीक है गाड़ी डेकोरेशन कैसे करना है स्टेज डेकोरेशन कैसे करना है मंडप डेकोरेशन कैसे करना है ए टू जेड चीज़ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा पूरा वर्किंग के साथ भी है और फ्ला, मतलब फाइनल भी है मेरे कहने का मतलब हुआ कि वर्किंग के जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि वर्किंग हो रहा है काम काम चल रहा है ठीक है ना तो इसका पूरा डिटेलिंग भी है और प्लस मतलब काम होने के बाद जो पूरा फाइनल हो जाता है उसका भी वीडियो है तो जो भी वीडियो आपको देखना है चैनल पर जा के आप सर्च मार के देख सकते हैं और अगर और अगर नहीं समझ में आवे तो मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको जो भी वीडियो का आपको देखना होगा मैं इसका वो लिंक आपको भेज दूंगा वहाँ से आप देख सकते हैं लेकिन बेटर यही होगा कि आप देखिए खुद से कि चूंकि एगो से अगर हम जो भी लिंक भेजेंगे तो एगो वीडियो का लिंक भेजेंगे अगर आपको देखना होगा तो आपको एक से दूसरा वीडियो दूसरा से तीसरा वीडियो देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा ठीक है ना घर बैठे आप इस तरह का काम जो है फ्लावर डेकोरेशन का काम आप सीख सकते हैं अगर आप लोग चाहते हैं ना कि हम लोग भी मतलब बहुत ऐसा आदमी कि चाहते हैं कि हम लोग हम भी इसका काम करें मतलब सीखें और सीख करके काम खोलें तो मेरा जो तो चैनल पे वीडियो है इसी इसी के रिलेटिव है जो भी चीज़ को आपको सीखना है स्टेज मंडप गेट गैलरी जैसे कि पूजा का डेकोरेशन हुआ पूजा का भी जितना भी पूजा होता है हर एक चीज़ का डेकोरेशन है फाइनल भी डेकोरेशन है जितना भी पूजा होता है उसका फाइनल भी डेकोरेशन है और उसका जो है डिटेलिंग भी डेकोरेशन है मेरा कहने का मतलब है कि फाइनल पूरा फाइनल मतलब डेकोरेशन का भी वीडियो अपलोड है और वर्किंग का समय मतलब काम होते समय का भी वीडियो अपलोड है तो जो वीडियो आपको समझ में आएगा वो वीडियो आप देखिए फाइनल का अगर आपको देखना है डिजाइन समझ में नहीं आता है कि मेरे पास डिज़ाइन नहीं है तो अगर फाइनल का देखना है तो फाइनल का देख सकते हैं और आपको काम सीखना है कि नहीं इस तरह का काम हम भी करना चाहते हैं हम भी सीखे सीख करके हम भी खोले तो आप वर्किंग का वीडियो देखिए ठीक है तो मेरा का नाम यही है अभी जैसे कि अभी को आप अगर आपको गार्डन सीखना है तो अगर अभी वीडियो देख रहे होंगे तो इस तरह का गार्डन कैसे किया जाता है ऑर्किड और लीची पत्ता का मिक्स गार्डन कैसे होता है आप यहाँ से भी सीख सकते हैं टोटल का टोटल इसमें मतलब पाँच मिनट का जो है बोल जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पाँच से सात मिनट का इसमें वीडियो अपलोड है तो यहाँ से भी आप सीख सकते हैं पिलर में कपड़ा कैसे लगता है सी में कपड़ा कैसे लगता है ठीक है ना हाफ डी कैसे बहना जाता है मतलब समझ लीजिए कि ए टू जेड वीडियो अपलोड है वेडिंग फ्लावर लाइन से जो भी जो भी वीडियो आप खोजिएगा ना सब वीडियो अपलोड है अलग अलग वैरायटी में अलग अलग डिज़ाइन में वीडियोस अपलोड है तो चैनल पर जाइए वीडियो देखिए सर्च मारिए और अगर और अगर जो भी चैनल पर नया है ठीक है ना अगर जो भी चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप लोग को भी मालूम है कि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वेडिंग फ्लावर लाइन से पूरा डिटेलिंग वीडियो रहता है और फाइनल वीडियो भी रहता है ठीक है तो इस तरह का देख लीजिए इस तरह का इसी तरह का गार्डन आपको करना है ऑर्किड और लीची पत्ता का मिक्स गार्डन है है ना कहीं कहीं पे जो है ना आपको गुलाब का बंच लगा दिया गया लेकिन गुलाब का बंच अभी जो है ज्यादा नहीं चल रहा है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा गुलाब का बंच थोड़ा महंगा पड़ता है हम लोग भी नहीं चलाते हैं ज़्यादा जो पहले खरीदे थे वही खरीदा हुआ है उसके बाद हम वंश नहीं खरीदते चूँकि बंच आपको जो है तीस से पैंतीस रुपये पड़ जाता है पर पीस का एक पीस का बंच जो है आपको पैंतीस रुपये पड़ जाएगा तीस रुपये पैंतीस रुपये ऐसा पड़ जाता है अगर आप वही ऑर्किड लेते हैं तो दरभंगा का ऑर्किड का रेट आपको पड़ता है अठारह रुपये पर पीस एक ऑर्किड का अठारह रुपये पड़ेगा लीची पत्ता अगर आप लेते हैं जैसे कि हरा हरा पत्ता लग ले, दो वैरायटी में रहा है इसमें एक पूरा हरा है और हरा पे जो है वाइट व्हाइट कलर का जो छीटा लगा हुआ है वही कलर का है तो वही दो कलर अभी हम लोग चलाते हैं तो अगर लीची पत्ता यही दो कलर में लेते हैं तो आपको साढ़े तीन सौ रुपया दर्जन पड़ेगा एक दर्जन का साढ़े तीन सौ रुपया ऑर्किड आपको पड़ता है अट्ठारह रुपये का एक पीस गुलाब वंश के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि गुलाब वंश जो है एक पीस का अठारह रुपये पड़ता है ये सब दरभंगा का रेट है जो भी हम आपको बता रहे हैं ना रेट ये सब दरभंगा का रेट है अभी जैसे कि प्रिंट कपड़ा देखे हुए थे कि पाटा में प्रिंट कपड़ा लगा हुआ था सी में प्रिंट कपड़ा लगा हुआ था प्रिंट कपड़ा का यहाँ का रेट है पंद्रह रुपये फोल्ट मिलता है चौदह रुपये पंद्रह रुपये सोलह रुपये फोल्ट मिलता है मीटर नहीं ठीक है पानी पानी कपड़ा जो फिस्टिंग कपड़ा जो आता है जो गलरी तलरी में गेट उट में जो लगाया जाता है डबल यू बनाने के लिए उस सब का रेट आपको यहाँ मिल जाएगा दरभंगा में साढ़े दस से ग्यारह रुपये रोटो कपड़ा अगर आप लेते हैं जो पाटा में लगाते हैं रोटो कपड़ा पीला हुआ प्लेन रोटो कपड़ा जो पंडाल में यूज होता है प्लेन पंडाल में एगो यूज होता है मतलब बिंदी वाला कपड़ा एक रोटो कपड़ा आता है जिसको प्लेन प्लेन रोटो कपड़ा बोला जाता है वो आपको मिल जाएगा साढ़े दस सॉरी ग्यारह साढ़े ग्यारह रुपये आपको मिल जाएगा बारह रुपये तक भी मिलता है रेट लगन की रेट के हिसाब से नहीं तो जनरली आपको ग्यारह से साढ़े ग्यारह रुपया आपको आराम से मिल जाएगा ये भी दरभंगा का रेट है जनरली आपको ग्यारह से साढ़े ग्यारह रुपया आराम से मिल जाएगा तो गार्डन तो आप देख ही चुके हैं गार्डन कैसे किया गया है अब इसका फ्रेम का साइज है तो मैं आपको फ्रेम का साइज में आपको बता देता हूँ कि इसका फ्रेम का साइज क्या है फ्रेम का साइज समझ लीजिए देखिए पाटा जो है ये आठ बाई सात बाय चार का पाटा है ठीक है ना पाटा लगा हुआ है सात बाय चार का तीन गो पाटा लगल है ठीक है चूंकि बारह फीट में बीम डेकोरेशन होगा तो तीन गो पाटा लगल है उसके बाद जो है आपको बारह फीट का बीम है सिंगल बीम रखिए बारह फीट का या दो गो जोड़ करके रखिए जैसे आपको करना है बारह फीट का बीम आप पुरा दीजिए छः छः फीट का दो गो जोड़ जोड़ दीजिए या आठ बाय चार का दो गो जोड़ दीजिए एगो आठ फीट जोड़ दीजिए एगो चार फीट जोड़ दीजिए या एगो सात फीट जोड़ दीजिए एगो पांच फीट जोड़ दीजिए आपको बारह फीट पुराना है ठीक है बारह फीट का बीम हुआ एक पीस और सात बाय चार का तीन पीस पाटा हुआ उसके बाद खड़ा करने के लिए है आपको जो है सात फीट का लेना है एक पिलर अगर हॉल में काम करते हैं इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अगर हॉल में काम करते हैं ना तो हॉल में आपको जो स्टेज जो लगाइएगा तो स्टेज एक फीट के पैंप पे लगता है सेटरिंग स्टेज लोहा वाला स्टेज जो लगता है वो आपको एक फीट के पैंप पे लगता है उसका पाइप जो लगता है एक फीट के रहता है हॉल में ठीक है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा ये जो सेटअप का हम आपके बारे आपको बता रहे हैं जो सेटअप का साइज वो सेटअप बाहर में आप पंडाल में कीजिएगा ठीक है अब उसके बाद आपको वीडियो भी देखना है कि इसको सेटिंग कैसे किया जा रहा है पहले सबसे पहले तो पाटा सेटिंग होगा बैक साइड से ठीक है ना आपको बस वीडियो देखना है आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा तो मैं आपको बता रहा था कि सात बाई सात बाय चार का तीन गो आपको पाटा लेना है सात फीट लंबा चार फीट चौला बारह फीट का आपको एक बीम लेना है बारह बाय दस इंच बारह फीट लंबा रहेगा दस इंच चौड़ा रहेगा आप चौला रहेगा बारह फीट आपको जोड़ के पूरा ये या सिंगनल रखिए वो आपका मैटर है सात बाय दस इंची का आपको दो गो पिलर लेना है सात फीट लंबा और दस इंची चौला ठीक है सात फीट लंबा रहेगा आ, दस इंची चौला रहेगा और छः फिट का एगो सी है ठीक है ना छः फिट का सी भी समझ गया आप दस मतलब आपको सेटअप का साइज आपको समझ में आ गया सेटअप का साइज क्या है एक मिनट और आप समझ लीजिए कि सेटअप का साइज जो है जो अभी डेकोरेशन हो रहा है उसका साइज जो है अभी जो बीम उठा रहा है बारह बाय सात का बीम हो गया मान के चलिए बारह बाय सात है ये बाहर का डेकोरेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ हॉल में जो है एक फीट का लगेगा स्टेज जो स्टेज अभी जो देख रहे हैं कि अढ़ाई फीट का लगा हुआ है ठीक है ना ये अढ़ाई फीट का स्टेज लगल है ना इसमें अढ़ाई फीट का लगल है तो अगर अढ़ाई फीट अगर लगल रहेगा स्टेज में खास करके मतलब विवाह में हॉल में तो ये ही फीट का पिलर लगा हुआ है इसमें छह फीट के ऊपर से ऊपर से बारह फीट का बीम बांध दिया गया है ठीक है ना छः फीट के पिलर पर बारह फीट का बीम बांध दिया गया है अगर आप बाहर में काम करते हैं सात फीट का अभी बीम, गो बारह फीट का एको बीम, और सात बाय चार का तीन गो पाटा और छः फीट का एको सी इतना चीज़ आपको रखना है अभी यहाँ जो काम हो रहा है ये हॉल में तो हॉल में अढ़ाई फीट का मतलब जो है इसका जो स्टेज इस का जो हाइट है अढ़ाई फीट पैंप वो अढ़ाई फीट पैंप नहीं लगता है हम लोग भी हॉल में काम करते हैं उसमें एक फिट पैंप देते हैं जहाँ हम फिक्स काम करते हैं विवाहन में एक जगह जो विवाह हमें फिक्स काम करते हैं वहाँ एक फीट का पैंप लगल रहता है ताकि उसका विवाहन का कहीं भी ब्यावन में जा जाएगा तो सीलिंग का जो है ना हाइट ज्यादा नौ से साढ़े नौ फिट हाइट रहता है उससे ज्यादा हाइट नहीं रहता है तो अब यहाँ भी जब अभी डेकोरेशन जो हो रहा है देखिए अढ़ाई फीट का स्टेज लगल है अढ़ाई फीट का पैंप का हाइट उसके बाद इसमें दोनों साइड से छः फीट का दो पिलर है और उसके ऊपर से बारह फीट का बीम बहन दिया गया है और बैक साइड से जो है ना सात फिट का पाटा है तो सात फीट का पाटा बहाना कैसे जाएगा सो तो मैं आपको समझा तो सात फीट का जो पाटा बांधना है ना स्टेज के हल्का नीचे कर देना है और उसको बीम में बांध देना है बारह फीट का जो बीम यहाँ से आप देख रहे हैं वो बीम में बांध देना है बीम में कैसे बांधा जाएगा किस किस तरह से बहना जाता है इसका भी वीडियो अपलोड है तो वीडियो को एंड तक देखिए आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा यही छः फीट का सी हुआ इसमें गार्डन है वही ऑर्किड और लीची पत्ता का टोटल गार्डन किया गया है छः फीट के सी में भी कपड़ा कैसे लगता है इसका भी वीडियो अपलोड है वहाँ से भी आप जा करके देख सकते हैं कि छः फीट के सी में हम चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं कि छः फिट के सी में हम कपड़ा कैसे लगाएं तो अब अगर आपको छः फिट के सी में भी देखना चाहते हैं छः फिट सी हुआ नौ फिट सी हुआ या बारह फिट का सी हुआ किसी में अगर आप जानना चाहते हैं कपड़ा कैसे लगता है तो, आगर 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 आप तो आपको चैनल पर जाकर सर्च मरिए आपको वीडियो मिल जाएगा देख लीजिए पाटा को इसी तरह से बांधना है रस्सी से बांधिए या तार से बांधिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको रस्सी से बांधना है रस्सी से बांधिए तार से बांधना है आप तार से बांधिए इसे कोई दिक्कत नहीं है बस इसी हिसाब से पाटा है सात फीट का तो हल्का सा नीचे करके जो है इसको पाटा को बारह फीट के बीम में बांधा जा रहा है इसको ध्यान रखिएगा सात फीट का पाटा है तो बारह फीट के बीम जैसे दिख लेना है इसे सटा करके तार से बांध दिया गया है बैक साइड से भी ऐसे ही आपको टोटल यहाँ से वहाँ तक बांध देना है सबसे पहले तो पाटा को एक दूसरे से बांध दीजिएगा तीन गो पाटा है तीनों पाटा को आपको जो है एक दूसरे से पहले बांध देना है उसके बाद जो है इसको पिलर में जैसे पिलर जो खड़ा किया गया था वो पिलर में साइड से बांध दीजिए उसके बाद ऊपर में जो बारह फीट का बीम है यहाँ से वहाँ तक बारा फिट का बीम ऊपर में ऊपर से बहन दीजिए तो आपका जो है सपोर्ट इसका हो जाएगा आप बैक कोशिश कीजिएगा कहीं भी आप काम कीजिएगा कहीं भी आप काम कीजिएगा चाहे वो में काम की करें या मतलब बाहर काम करें पंडाल उंडाल में तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो भी सेटअप आप तैयार कीजिएगा ना चाहे वो गेट का सेटअप तैयार सेट करें या स्टेज का सेटअप तैयार करें सबको जो है आपको बैक साइड से सपोर्ट करना है इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बैक साइड से सपोर्ट करने का मतलब है कि बैक साइड से आपको बहन देना है ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत उक्कत हो जैसे कि हवा आवे चाहे कोई तरह का बात हो तो गिरे नहीं इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आपको बैक साइड से टिक देना ही है बैक साइड से नहीं टिका तो डर रहता है कि कभी ये गिर जाए पिलर से पाटा सेटिंग हो गया बारह फीट का जो भी डेकोरेशन हॉल था वो सेटिंग हो गया अब जो है छः फीट का सी सेटिंग किया जा रहा है तो ध्यान से देखिए छः फीट का सी हुआ जिसमें गार्डन कैल है अब इसको बी सेंटर में सेटिंग करना है बारह फीट का जो बीम है ना उसके बी सेंटर में आपको ले जाइए और बीम सेंटर बस इसको आराम से खड़ा कर दीजिए खड़ा करने के बाद जो इसको आराम से जो तार से जो है छह फीट का जो बीम ऊपर में देख रहे हैं उसी में आराम से उसको तार से तार से हो या रस्सी से जिससे भी हो आपको आराम से इसको बहान देना है और बहान करके जो आपको है बारह बाय बारह बाय सात का आपका डेकोरेशन इंगेजमेंट या रिंग सेरोमनी जो भी कहिए आपका जो है डेकोरेशन करके तैयार है इसमें आप इंगेजमेंट कीजिए डेकोरेशन कीजिए या शादी ब्याह में कीजिए या पूजा में किसी भी किसी की काली पूजा आ रहा है छोटा मोटा काली पूजा का डेकोरेशन आराम से कर सकते हैं इस तरह का डिज़ाइन दे सकते हैं सरस्वती तो पूजा हुआ कोई भी पूजा में छोटा मोटा जो होगा छोटा मोटा जो मूर्ति जो होता है उसमें आराम से आप कर सकते हैं यही हुआ बारह बाय सात बीच में छः फीट का सी लगा हुआ इसको कैसे फ्लावर लगाया गया कैसे इसमें इसको खड़ा कैसे किया गया टू जेड डिटेल है तो फ्रेंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे या बेलैकन को दबाना ना भूलें ताकि इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहे और होता है पूरा डिटेलिंग के साथ ठीक है ये आगे का गार्डन है ये आगे में फिस्टिंग कपड़ा मार दिया गया है उसमें जो है कहीं कहीं दो गो से तीन गो बुक बुक्या आपको मार दिया जाएगा ये स्टेज के आगे में इसी तरह का पूरा का पूरा गार्डन भी कर सकते हैं यहाँ से वहाँ तक का गार्डन भी कर सकते हैं लेकिन इसमें जो है आपको सिंगल सिंगल मात्र तीन गो बुक बुक्या मारा जाएगा फिस्टिंग कपड़ा का फिस्टिंग किया गया है पानी पानी फिस्टिंग कपड़ा का जो है उसको डबल यू मार दिया गया है ठीक है तो अगर इस तरह का भी डेकोरेशन अगर आपको सीखना है कि डबल यू कैसे मारा जाता है ट्रिपल यू कैसे मारा फिस्टिंग कपड़ा का काम कैसे किया जाता है तो बस चैनल पे जाना है वहाँ से सर्च मारना है कि पानी पानी फिस्टिंग कपड़ा का डिज़ाइन कैसे बनावे या डबल यू कैसे बनावे तो चैनल पर बने रहिएगा इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा पूरा डिटेल के साथ ठीक है चूँकि छठ के बाद जो है लगन शुरू होने वाला है तो इसी तरह का वीडियो अपलोड होता रहेगा पूरा फुल्ली डिटेल में ताकि आप लोगों को किसी तरह कोई दिक्कत ना हो इसका तो साज आप समझ ही गए होंगे अगर इस तरह का डेकोरेशन आपको करना है तो आराम से कर सकते हैं बस फ्रेम आप लोग के पास